हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में शुरू करते हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर। सबसे पहले क्विज देख लेते हैं। आज का जो क्विज है वो उसका लेवल है एग्जाम लेवल। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जुलाई और अगस्त के महीने से लिए गए हैं, तो आपकी रिविज़न हो जाएगी। 12 क्वेश्चन है टोटल, 12 नहीं टेक्निकली 13, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे जिसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कंपटीशन, वैश्विक कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कौन से शहर के द्वारा आयोजित की गई? विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन। दुनिया का पहला कंट्री कौन सा है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने जो नाविक होते हैं, नाविक को अंग्रेजी में बोलते हैं सी फेयरर, उनके लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट शुरू किया, यानी बायोमेट्रिक की मदद से उनकी पहचान हो पाएगी, जैसे उंगली के निशान वगैरह। तो पहला कंट्री कौन सा है जिसने बायोमेट्रिक सी फेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट शुरू किया? और चलो ठीक है, ये बताओ फिर बाद में, भारत की किस महिला को या किस पुरुष को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2018 के लिए ये दिया गया था जुलाई 2019 में। कोयले का खनन यानी कोल माइनिंग, इसमें FDI लिमिट कितनी है, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की जो सीमा है वो कितनी है कोल माइनिंग में और डिजिटल मीडिया में? और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुलाई 2019 में ये लिमिट रिवाइज की गई थी। कौन सा भारत का राज्य है जिसकी एक सेफ्टी ऐप आती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसका नाम है हिम्मत प्लस, और उस पर उन्होंने QR कोड भी अभी शुरू करा है। QR कोड को बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स कोड। विच डे इज सेलिब्रेटेड विद द स्लोगन, कौन सा दिवस है जो जिसका स्लोगन होता है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, यानी उनका जीवन हमारे हाथों में है। किसकी बात हो रही है, किसका जीवन है भाई हमारे हाथों में, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल यानी वैश्विक किताबों की राजधानी, वैश्विक पुस्तक राजधानी डिक्लेयर कराए 2019 के लिए, यूनेस्को ने कराई है। कौन से राज्य का जीरा फूल उत्पाद है, जीरा फूल जिसको भौगोलिक संकेतक मिला है, जीरा फूल क्या है ये भी लिख के बताओ, ये क्या है जीरा फूल, क्या ये जीरा है या कुछ और है? सऊदी अरब जो है उन्होंने भारत का जो हज कोटा है वो कितना कर दिया है, यानी भारत से कितने लोग हज जा सकते हैं? अभी अभी अगस्त के महीने में एशियन टी अलायंस लॉन्च हुआ, इसमें कितने कंट्री हैं, और ये लॉन्च हुआ चाइना में। चाय उगाने वाले जो देश हैं कितने हैं जिन्होंने मिलके एशियन टी अलायंस लॉन्च कराया? IIT कानपुर ने किस व्यक्ति को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है, IIT कानपुर ने किस व्यक्ति को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है? एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भारत के कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के साथ मिलकर नकली त्वचा यानी आर्टिफिशियल स्किन बना रहा है? नकली त्वचा उन लोगों को लगेगी जो जल जाते हैं पर त्वचा उन्हें नहीं मिलती। तो ये हैं आपके सवाल, बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं, IBPS के लेवल के क्वेश्चन है सारे। तो चलो आंसर देना शुरू करूं फिर। वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ कजान में, जो लोग नहीं जानते कजान रशिया का एक शहर है, रूस का शहर है। कौन सा कंट्री है जो पहला कंट्री है जिसने नाविकों के लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट शुरू कराया, पहचान पत्र शुरू कराया, ये है इंडिया। चलो एक डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं आपसे, इंटरनेशनल सी फेयरर डे कब होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सी फेयरर डे, क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो? तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार किसे मिला इस साल का, यह मिला है IPS अपर्णा कुमार को। क्यों मिला है? अपर्णा कुमार ने 7 पीक चैलेंज खत्म कर दिया, यानी दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों का पर्वतारोहण किया। किसने किया? IPS ऑफिसर अपर्णा कुमार ने। कोयले के खनन में FDI है 100%, पूरा 100%, ठीक है, और डिजिटल मीडिया में है 26%, और ये दोनों एकदम याद रखना, 100% क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। हिम्मत प्लस ऐप है दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली आंसर है इसका, दिल्ली पुलिस ने QR कोड स्कीम लॉन्च करी थी हिम्मत प्लस ऐप के ऊपर। देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, बात हो रही है टाइगर की, बाघ,
और बाघ दिवस कब होता है, तो इसमें यही पूछा है कौन सा डे, 29 जुलाई। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन भी रिलीज करा था, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे बेस्ट है भारत में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। बस इतना याद रख लो, बाघ से संबंधी थीम या स्लोगन, नारा, उनका भविष्य या उनका जीवन हमारे हाथ में है, किनका, बाघ का। और अगर मैं पूछूं पहला देश दुनिया का कौन सा है जिसने अपनी बाघ की जो पॉपुलेशन है, संख्या है, वो दुगनी कर दी, तो आंसर है नेपाल, और दूसरा है भारत। और क्यों करिए बाघ की पॉपुलेशन दुगनी, क्योंकि एक वादा किया गया था किसके द्वारा, ये सारे कंट्री मिले 2010 में, कहां, सेंट पीटरबर्ग, सेंट पीटरबर्ग है रशिया में, यहां मिले, सबने वादा करा एक दूसरे से, हमारे देश में जितने भी बाघ हैं हम उनकी संख्या कर देंगे दुगनी। तो टारगेट कब तक था, 2022 तक, तो भारत और नेपाल दोनों ने काफी आसानी से टारगेट अचीव कर लिया। यूनेस्को ने कौन से शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर कराया, शारजा, शारजा है यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी संयुक्त अरब अमीरात में। जीरा फूल एक चावल है, कहां का चावल है, छत्तीसगढ़ का चावल है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सऊदी अरब ने हज का जो कोटा है वो कर दिया है 2 लाख। एशियन टी अलायंस में 5 कंट्री हैं, देखो भारत है, चाइना है, और बाकी 3 कौन से हैं, ये आप नीचे कमेंट्स में फटाफट लिख दो कि एशियन टी अलायंस में बाकी 3 कंट्री कौन से हैं, देखते हैं कितना याद है आपको, और कई बार रिपीट करा है मैंने। IIT कानपुर ने डॉक्टर की डिग्री दी है पुलेला गोपीचंद को, बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन कोच, बल्कि बतौर कोच इन्होंने ज्यादा नाम कमाया है। आज भारत के सारे बड़े खिलाड़ी, सायना नेहवाल, PV सिंधु, साई प्रणीत, जो भी बड़े खिलाड़ी हैं सब पुलेला गोपीचंद के स्टूडेंट हैं। और जो एम्स है, एम्स ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर बनाई है नकली त्वचा, कितने ठीक हुए 13 में से बता दो। चलो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया, सुनामी क्या है, सुनामी है आपदा, डिजास्टर, और इसका थीम क्या था, तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 नवंबर। ये सुनामी शब्द कौन सी भाषा का, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था ये जो वर्ड है सुनामी, ये कौन सी भाषा का शब्द है, क्या ये इंग्लिश का शब्द है, जी नहीं, ये जापानी भाषा का शब्द है, जैपनीज, और जैपनीज में इसका मतलब होता है हार्बर वेव, यानी कि समुद्री लहर, उसको बोलते हैं सुनामी। और आपको बता दूं इस बार इसका जो विषय था, जो थीम था, वो था सेंडई 7 कैंपेन। सेंडई क्या है, ये सेंडई जापान का शहर है, एक जापान में बहुत खूबसूरत शहर है जिसको बोलते हैं सेंडई। क्या हुआ था यहां पे दुनिया के तमाम कंट्री मिले और उन्होंने मिलकर डिसाइड करा एक आपदा प्रबंधन प्रणाली जिसको बोलते हैं सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इसीलिए इसका जो विषय है वो है सेंडई 7 कैंपेन। किस देश ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, तो ये बैंकॉक में मीटिंग हुई थी और बैंकॉक में 3-3 शिखर सम्मेलन हुए अभी, एक हुआ आसियान, एक हुआ ईस्ट एशियन समिट यानी पूर्वी एशियन समिट, और एक हुआ RCEP, 3-3 हुए, एक नहीं दो नहीं पूरे 3, आसियान समिट, ईस्ट एशियन समिट और RCEP। प्रधानमंत्री मोदी गए थे भारत की तरफ से, तो भारत ने इनकार कर दिया है। इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में कि हमारे जो किसान हैं वो चीन और जापान से आने वाले सस्ते सामान का मुकाबला नहीं कर पाते, तो उनके लिए ठीक है, लेकिन नेगेटिव ये है कि इससे ये पता चलता है आज़ादी के इतने साल के बाद भी आज भारत एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कितनी पीछे है। हमने अगर RCEP को साइन नहीं किया तो ये हमारी कमजोरी दिखाता है कि आज भी हम उस लेवल पे नहीं है। ये ठीक है हमने मना किया क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन ये इस बात का प्रूफ भी है कि हम उस लेवल पे नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस देश ने स्वदेश में विकसित अल्जाइमर की एक दवा को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है। अल्जाइमर रोग एक दिमाग का रोग होता है, एक दिमागी रोग होता है, इसमें हमारी याददाश्त चली जाती है, डिमेंटिया, एमनीसिया और कई तरह की वो लग जाते हैं इसके अंदर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। तो अल्जाइमर की जो दवाई है वो बनाई है चीन ने, और इस दवाई का नाम क्या रखा है, इसका नाम है GV971। तो ये नाम एकदम आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस की एक दवाई बनाई गई है प्रीटोनामिड, और ये दवाई बनाई है कंपनी ने दवाई की जिसका नाम है मिलान, MYLAN मिलान, प्रीटोनामिड। किस राज्य ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 15 साल पुराने डीजल वाहनों के चालन पर रोक लगा दी, यानी इस राज्य में 15 साल पुराना डीजल से चलने वाली गाड़ियां अब नहीं चलेंगी, ये राज्य है बिहार, नीतीश कुमार ने ये रोक लगाई है
और एक बात आपको और बता दूं यहाँ पे कि हमारी जो केंद्र सरकार है यानी कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने कहा है कि भारत की 5 लाख गाड़ियां हैं जिन्हें बिजली से चलने वाली गाड़ियों में परिवर्तित किया जाएगा, यानी 5 लाख गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। और बिहार में मोतिहारी जगह है, मोतिहारी में हुआ इस साल का कृषि कुंभ। बिहार की एक झील भी है गोगाबेल झील, जो पहला भारत का सामुदायिक रिजर्व बना है। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की औपचारिक घोषणा कर दी? पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका दूर हो गया है। अमेरिका ने और इजराइल ने यूनेस्को भी छोड़ दिया, यह भी आपको पता होगा, यूनेस्को की सदस्यता खत्म कर दी अमेरिका और इजराइल ने, और पेरिस जलवायु समझौता छोड़ दिया है अमेरिका ने। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? यह सीधा क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रट्टा लगाना है, आदित्य मिश्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विषय के साथ नियामक सैंडबॉक्स के तहत पहला कोहर्ट खोलने की घोषणा करी? यह जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है, नियामक सैंडबॉक्स, ये वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक कंपनीज के लिए होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए होता है। इसका विषय रखा गया है खुदरा भुगतान यानी रिटेल पेमेंट, खुदरा भुगतान। फॉर्मूला वन अमरीकी ग्रां प्री का खिताब किसने जीता? फॉर्मूला वन गाड़ियों की रेस होती है, अमेरिका में हुई तो अमेरिकी ग्रां प्री हो गया। ग्रां प्री का मतलब होता है बड़ा पुरस्कार, ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ग्रां प्री इसका मतलब बड़ा पुरस्कार। तो अमेरिकी ग्रां प्री जीती है वल्तारी बोतास ने, लेकिन इससे फर्क ही नहीं पड़ता कौन जीत रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारी रेस होती हैं और एक रेस में फर्स्ट आने के, सेकेंड आने के और थर्ड आने के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और जो जितने ज्यादा जिसके पॉइंट हो गए वो फिर एंड में जिसके सबसे ज्यादा होते हैं वो बनता है विश्व विजेता यानी वर्ल्ड चैंपियन। तो वर्ल्ड चैंपियन तो ऑलरेडी बन चुके हैं लुइस हैमिल्टन, अब इससे फर्क ही नहीं पड़ता, बची हुई रेस आप कोई भी जीतते रहो, क्योंकि इनके पॉइंट इतने ज्यादा हैं कि अगर ये बची हुई रेस हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विश्व विजेता बन गए हैं 6ठी बार। तो अगर आपसे पूछें फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है, विश्व चैंपियन, तो आंसर है लुइस हैमिल्टन, और ये चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी, और वल्तारी बोतास भी चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी। वल्तारी बोतास हैं फिनलैंड के और लुइस हैमिल्टन हैं ब्रिटेन के। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच बहुत बड़ा बैंक है, इन्होंने भारत का जीडीपी दर कितने प्रतिशत अनुमानित करा है? भारत का जीडीपी दर होगा सिर्फ 5.8, ये पहले कह रहे थे 6.1, पर इन्होंने 30 आधार अंक अपनी जो अपना जो अनुमान है वो कम कर दिया है, 30 आधार अंक यानी 30 basis points या 0.3 percentage points। WTA फाइनल किसने जीता? WTA फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली WTA के द्वारा होता है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, ये जीता एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, 46 साल में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन जीता था ऑस्ट्रेलिया की, तो इसलिए इन्हें अमेरिका कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन मिला, द डॉन एशले बार्टी। और ये है भारत की जो 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं पूरी दुनिया के, तो ये इनके नाम आपको याद रखने हैं। US ओपन जीता रफाइल नडाल और बियांका एंड्रेस्क्यू, अभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ तो इसे महिलाओं की बात करता हूँ, वैसे US ओपन और फ्रेंच ओपन जीता था रफाइल नडाल ने, और विंबलडन ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, रफाइल नडाल स्पेन के हैं। US ओपन जीता बियांका एंड्रेस्क्यू जो कनाडा की हैं, विंबलडन जीता सिमोना हेलेप ने जो रोमानिया की हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता नाओमी ओसाका ने जो जापान की हैं, और फ्रेंच ओपन जीता एशले बार्टी ने जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये दुनिया के 4 सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। फ्रांसीसी प्रतिरोध की सदस्य और नाजी शिविरों से बच निकलने वाले व्यक्ति जिनकी 103 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, इनका नाम क्या था? इनका नाम था वेट लुंडी, हिंदी में लिखेंगे यावते लुंडी, लेकिन फ्रेंच भाषा में लिखते हैं वेट लुंडी, महिला थी ये, 103 साल की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार किस देश की वृद्धि इस साल हुई है 4.4, और इसका GDP 86% से ज्यादा ग्रो करेगा, यानी अगले कुछ ही साल में इस देश का GDP 3 गुना हो जाएगा। ये कौन सा देश है जो इतना फास्ट ग्रो कर रहा है? ये देश है गयाना जो देश है, इसका जो GDP है इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, और ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के जो देश हैं या जो वेस्ट इंडीज के देश हैं, ये दो खास तौर पे, वेस्ट इंडीज कैरेबियन के जो देश हैं और अफ्रीका के जो देश हैं, इनमें ग्रोथ इतनी कम है कि इनमें जब ग्रोथ होती है तो फिर काफी ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों को ऑन फील्ड परीक्षणों के लिए लॉन्च कराया? नैनो प्रौद्योगिकी आधारित, नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पाद हैं, और ये सारे हैं इफको के।
इफको बोलते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये सहकारी संस्था है दुनिया की सबसे बड़ी, मैं इस शब्द पे ध्यान दूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत करी? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली। स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म को कौन सपोर्ट दे रहा है? आईबीएम। आईबीएम प्लेटफॉर्म को बोलते हैं वॉटसन और माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को बोलते हैं अज्यूरे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संगम, प्रोजेक्ट संगम। कुछ और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं यहां पे। भारत का जो बिजली और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, मीटी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वो गूगल के साथ मिलकर उन्होंने एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसका नाम है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया, बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया। गूगल ने एक ऐप लॉन्च करा जिसका नाम है बोलो, ये बच्चों को हिंदी और इंग्लिश बोलना सिखाएगा। भारत में आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इन्होंने लू रिव्यू कैंपेन गूगल के साथ मिलकर शुरू करा। लू बोलते हैं टॉयलेट को, तो आपको आपके नजदीकी टॉयलेट कहाँ है गूगल मैप पे पता चल जाएगा तुरंत। और आवास और शहरी मामलों के और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। गूगल का एक प्रोजेक्ट है जो पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू करा इन्होंने जिसका नाम है क्राफ्टेड इन इंडिया, क्राफ्टेड इन इंडिया। और इसी तरह का एक माइक्रोसॉफ्ट का है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रीवीव, ये है माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इन्होंने गूगल के साथ मिलकर आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए करार करा है, यानी आयुष्मान भारत योजना को भारत में कौन लागू कर रहा है? गूगल। प्रौद्योगिकी का जो सपोर्ट है वो दे रहा है गूगल। और हमारी जो कृषि है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, उसके अंदर भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए, इसके लिए सपोर्ट दे रहा है आईबीएम। तो भारत सरकार आईबीएम के साथ मिलकर कृषि के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू कर रही है। गोल परियोजना शुरू करी है फेसबुक ने, गोल में जो हमारे आदिवासी जिले हैं उनके अंदर आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देगा, कौशल विकास देगा फेसबुक। और 21वां बर्थडे यानी 21वां जन्मदिन था गूगल का 27 सितंबर 2019 को, और गूगल कंपनी शुरू करी थी दो लोगों ने मिलकर, सर्जे ब्रिन और लैरी पेज, सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। और यहां पर यह भी बता दूं, इंस्टाग्राम शुरू करा था दो लोगों ने मिलकर, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं हर एग्जाम में और बार बार होते हैं। इंस्टाग्राम शुरू करा था केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर, और व्हाट्सएप शुरू करा था ब्रायन एक्टन और जैन कून, ब्रायन एक्टन और जैन कून। और अगर पूछे माइक्रोसॉफ्ट किसने शुरू करा था तो पॉल एलन और बिल गेट्स। सहयोग अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी कैरेट नाम का युद्ध अभ्यास अमेरिका कौन से देश के साथ कर रहा है? ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है, तो अमेरिका कर रहा है इसे बांग्लादेश के साथ, कैरेट युद्ध अभ्यास। क्या भारत और अमेरिका को युद्ध अभ्यास करते हैं? हाँ, तीन तीन, एक का तो नाम ही है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास करते हैं हम अमेरिका के साथ, युद्ध अभ्यास नाम का युद्ध अभ्यास करते हैं, ठीक है। एक है वज्र प्रहार जो हो रहा है सिएटल में, और एक होता है टाइगर ट्रायंफ जो नया युद्ध अभ्यास स्टार्ट होगा, ये होगा काकीनाडा और विशाखापट्टनम में, मालाबार करते हैं, उसमें जापान भी लेकिन साथ होता है। किस देश ने G20 देशों के संसदीय वक्ताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी? अब ध्यान से सावधान हो जाइए यहां पे, G20 देशों के संसदीय वक्ताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो में जापान में, लेकिन G20 सम्मेलन ओसाका में। तो अगर पूछे G20 सम्मेलन कहां हुआ तो आंसर है ओसाका, और अगले सालों का सऊदी अरब में, लेकिन अगर पूछे G20 के संसदीय वक्ताओं का तो आंसर तो जापान ही है, क्योंकि ओसाका और टोक्यो दोनों जापान में, पर इसका आंसर टोक्यो हो जाएगा, तो इसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। किस वर्ष तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑनलाइन शॉपिंग, जो आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से अमेजोन से, उसको एक लत लगने वाला विकार उसके रूप में पहचान देगा, यानी कि एक मेंटल डिसऑर्डर, एक दिमागी रोग है ये ऑनलाइन शॉपिंग, 2024 तक हो जाएगा, तो आंसर है 2024। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने बंजर भूमि एटलस, बंजर भूमि किसको बोलते हैं? वेस्टलैंड, जो वेस्ट है, बंजर है, बंजर, वेटलैंड नहीं, वेटलैंड होता है आर्द्र भूमि, वेस्टलैंड की बात हो रही है। तो बंजर भूमि एटलस लॉन्च करी है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। दृष्टि बाधितों के अनुकूल बनने वाला दक्षिण रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा है? जिनको मेरी तरह इतनी ज्यादा हिंदी नहीं आती मैं बता दूं, ये रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसपे जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड जो लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, उनके लिए फ्रेंडली है ये, उनके अनुकूल है ये, मतलब उनको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। कैसे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे कई सारे बोर्ड लगाए गए हैं, कई तरह के बोर्ड लगाए गए हैं जिससे वो सारी चीजें पढ़ पाएंगे छूकर,
जो ब्रेल भाषा होती है उसका उपयोग कर पाएंगे। तो 250 से ज्यादा बोर्ड लगाए गए हैं दृष्टिहीनों के लिए। तो दक्षिण रेलवे का पहला कौन सा है? दक्षिण रेलवे का पहला स्टेशन जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए अनुकूल बना है वो है कोयम्बटूर। और आपको बता दूं कोयम्बटूर भारत का चौथा स्टेशन है रेलवे स्टेशन जो विजुअल फ्रेंडली है, यानी कि जो ब्लाइंड फ्रेंडली है, ठीक है, विजुअल इंपेयर्ड फ्रेंडली। इससे पहले तीन कौन से थे? तो याद रखिए मैसूरू, बेंगलुरु, दोनों कर्नाटक में, मैसूर और बेंगलोर, और बोरीविल स्टेशन जो मुंबई में है। बस तो बस भारत में तीन ही स्टेशन है इससे पहले जहां पे जो ब्लाइंड लोग हैं जो देख नहीं सकते वो, जिनको कोई परेशानी ना हो, वो उनके लिए फ्रेंडली स्टेशन है, बाकी कोई नहीं है। और अब चौथा बना है कोयम्बटूर, तो ये भी याद रखिए बेंगलुरु, मैसूरू और बोरीविली के बाद कोयम्बटूर बना भारत का चौथा और दक्षिण रेलवे का पहला स्टेशन। किस राज्य की सरकार ने अपने जंगलों को सुरक्षित करने के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ 50 मिलियन यूरो, एक यूरो की वैल्यू 80 रुपए मान लो रफली, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से तो करोड़ रुपए में आ गया, क्योंकि एक मिलियन डॉलर कितना हो गया फिर, 10 लाख × 80 यानी 8 करोड़, तो ये हो गया 400 करोड़ रुपए। तो आप कोई भी कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो, एक मिलियन डॉलर कितना हो गया, एक डॉलर की वैल्यू 70 रुपए मान लो तो 7 करोड़ हो गया, एक यूरो हो गया 8 करोड़। तो 50 मिलियन यूरो 400 करोड़ रुपए उधार कौन सा राज्य ले रहा है अपने जंगलों को सुरक्षित करने के लिए? ये ले रहा है असम, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से लोन ले रहा है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? कतरनिया घाट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बताऊंगा रीजन क्यों। आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक किताब लॉन्च करी है। ये सरकारी किताब है, कोई वैसी किताब नहीं है पढ़ने वाली, सरकारी एक वो है किताब। ये है तेंदुओं के ऊपर, और ये किताब इस बारे में है कि कतरनिया घाट वन्य विहार में तेंदुओं की संख्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उस बारे में, मतलब तेंदुओं का क्या हाल है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसके ऊपर ये किताब का विमोचन अनावरण करा कल योगी आदित्यनाथ ने। तो अब ये क्योंकि वन्य विहार न्यूज में आ गया इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब मैं राष्ट्रीय उद्यान कराऊंगा आपको, आपको बाय बोलने से पहले, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो जो बचे हैं वो सारे आज खत्म करवा देता हूं। मणिपुर में एक है नेशनल पार्क कीबुल लमजाओ, कीबुल लमजाओ। मणिपुर में लोकटक झील भी है जो पूर्वी उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। मेघालय में दो हैं, नोकरेक और बालफक्रम, मेघालय में बालफक्रम और नोकरेक। एक बार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जहां पे मेघ, मेघ मतलब क्या होता है, बादल, और चेरापुंजी और मोसेनराम सब कहाँ है, ये मेघालय में ही तो है। तो मेघ मतलब होता है बादल, जिस दिन बादल बहुत ज्यादा है मतलब बारिश बहुत ज्यादा है, और बारिश में जो है आप कोई भी काम करोगे नो, नहीं करोगे, क्योंकि उस दिन काम कहाँ होता है। तो नो से बन गया नोकरेक, और बच्चों को विशेष रूप से बचाओ बारिश से, तो बाल, बाल मतलब होता है बच्चे, तो मेघ मतलब बादल, बादल से आप फिर बाल फक्रम और नोकरेक तक पहुंच सकते हो। फिर मिजोरम, मिजोरम में दो हैं नेशनल पार्क, एक तो है मुरलैन और एक है होंगपुई, होंगपुई और मुरलैन। नागालैंड में एक ही है इंटांकी, ये हाथियों का रिजर्व भी है इंटांकी। ओडिशा में दो हैं भीतरकनिका और सिमलीपल, और आपको बता दूं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है और सिमलीपल टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपल और सतकोसिया ये दो टाइगर रिजर्व है ओडिशा में। राजस्थान में पांच राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट, डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, तो ये तो आसान हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में है जिसको बोलते हैं थार। कियोलाडियो घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम है भरतपुर, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर फेमस है टाइगर के लिए, डेजर्ट नेशनल पार्क, कियोलाडियो घाना, मुकुंद्रा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का, ये है राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में बस एक है कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची हिमालय पर्वत की चोटी है 8,598 मीटर। तमिलनाडु, तमिलनाडु में है पांच, गुंडी, दो में लगता है मलाई, एक तो है अन्ना मलाई और एक है मुदुमलाई, और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, इसको गल्फ ऑफ कच्च और रन ऑफ कच्छ वाला था गुजरात में मैरीन नेशनल पार्क, उससे कंफ्यूज मत करना, ये अलग है। तो गल्फ ऑफ मन्नार, मैरीन नेशनल पार्क, मुदुमलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई वाले का नाम इंदिरा गांधी भी है, और मुकुरथी, मुकुरथी, ये है तमिलनाडु में, गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई और मुकुरथी। त्रिपुरा में दो हैं क्लाउडेड लेपर्ड और बिसोन, जिसको बोलते हैं राजबरी नेशनल पार्क। यहां पे आपको सावधान कर दूं, क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का राजकीय पशु है, मेघालय का क्लाउडेड लेपर्ड,
तो ये मत सोचना कि क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में होगा, क्योंकि क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का राजकीय पशु है, नहीं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश में बस एक है दुधवा, और टाइगर रिजर्व भी है दुधवा, टाइगर रिजर्व तीन है उत्तर प्रदेश में, एक दुधवा, एक पीलीभीत और एक अमानगढ़। और मैंने आपको बताया था जिम कॉर्बेट का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में, उसको बोलते हैं अमानगढ़। फिर उत्तराखंड में भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिजर्व भी है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, नंदा देवी यूनेस्को का विश्व धरोहर भी है। तो उत्तर प्रदेश में ये दोनों विश्व धरोहर हैं, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और राजाजी ये टाइगर रिजर्व भी है। और आखिर में पश्चिम बंगाल बचा, बस पश्चिम बंगाल में दो टाइगर रिजर्व हैं, बक्सा और सुंदरबन। और सुंदरबन को इस साल रामसर वेटलैंड भी, रामसर आर्द्रभूमि 2019 में डिक्लेयर किया गया था। तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा, जल्दापारा, नियोरा घाटी, सिंगई लीला, बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा। और इसको सिंबल बारा से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये मिलते जुलते नाम है, मारा पारा बारा नहीं, सिंबल बारा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में मैंने आपको बताए थे पिन वैली, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिंबल बारा, खीर गंगा, ये सब। तो बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नियोरा घाटी, सिंगई लीला और सुंदरबन। नियोरा घाटी को पिन वैली से कंफ्यूज मत करना जो हिमाचल में है, ना ही कांगर घाटी से जो छत्तीसगढ़ में, और ना ही साइलेंट घाटी से जो केरल में, ना ही टाले घाटी से जो अरुणाचल में। सो ये था हमारा 6 नवंबर का वीडियो। अगले वीडियो में, नहीं, 7 नंबर की वीडियो में हाजिर होऊंगा फिर से, और बहुत सारे और अलग अलग वीडियो भी चल रहे हैं। प्रीमियम का दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है, जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे उनको सारे देखिए, क्योंकि वीडियोस में इतना कुछ है आपके लिए। और बहुत सारे स्टेट, मेरे को लगता नहीं कोई भी राज्य बचा है, राजस्थान और महाराष्ट्र को छोड़ के कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, और हरियाणा, जो मैंने फोकस राज्य नहीं बनाया है। तो जिन लोगों ने प्रीमियम अब ज्वाइन करा है दूसरे महीने में जाके, जो अब तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, वो तुरंत सारे वीडियो देखो 4 अक्टूबर से लेकर अब तक के, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे जो बेस्ट 200 सीरीज में कवर नहीं होता। बेस्ट 200 में तो मैं आपको बताऊं 50% नॉलेज भी नहीं होती जो मेरे डेली वीडियोज जो उनके अंदर होती है। तो पहले आप सारे वीडियो कवर करो पुराने जो 4 अक्टूबर से हैं, क्योंकि मैं देखता हूं आप बहुत सारे ऐसे वीडियोज की डिमांड करते हो जो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। और नीचे आपको जो सबसे ऊपर का कमेंट होगा उसमें आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे वीडियो जो अब तक अपलोड हुए हैं, 111 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं अब तक, वो सारे आपको देखने हैं, तब आप फिर सबके साथ आ जाएंगे। तो मिलते हैं 7 नंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू प्रीमियम।